सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, और एक और वीडियो लेके आ चुके हैं आपके लिए। अभी S6 आएगी और अब बताने वाले हैं भाई, एक सेंसर से रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम आ रही है इस गाड़ी में, और वो डीजल फ्यूल फिल्टर का सेंसर है। उस सेंसर का वायर जो है निकल गया है, और वायर लगवाने गए हैं कंपनी, तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि भाई वायरिंग चेंज होगी। ठीक है, मतलब एक छोटे से कपलर के चक्कर में पूरी वायरिंग चेंज करने का बोला है, 10-12 हज़ार का खर्चा बताया है। और कंपनी वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर नहीं कराओगे तो बंद हो जाएगी, मतलब डरा भी रहे हैं। ठीक है, तो उस करते हैं अपन उस फॉल्ट को, ठीक चलते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मैं चाबी भी ऑन करता हूँ, इग्निशन ऑन करने के बाद इसमें लाइटें आती हैं काफ़ी सारी। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, बैटरी की है, ऑयल की है, बहुत सारी लाइट हैं। तो ये सेंसर की लाइट जो है आपकी, ये बिल्कुल चेक इंजन के नीचे वाली लाइट है। ठीक है, अभी आ नहीं रही है, मगर गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगी। करते हैं गाड़ी स्टार्ट। ये देखिए आप, लाइट शो करने लग गया है फ्यूल फिल्टर की। वैसे गाड़ी चल रही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी, लेकिन अगर हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम आ जाए, तो इसको ठीक करना है अपन को। तो इसका जो फ्यूल फिल्टर सेंसर है, वो डीजल टैंक के जस्ट बिल्कुल, ये आपका डीजल टैंक के पियाजी ऑफ है का BS6, और ये हमने इसका कपलर निकाला हुआ है। उसमें से एक ये छोटा सा वायर टूटा है, सिर्फ एक वायर। ठीक है दोस्तों, इस वायर की वजह से अगर पूरी वायरिंग चेंज करना पड़े तो यार भाई क्या यार है दो भाई। ठीक है, एक छोटे से कपलर के चक्कर में पूरी वायरिंग चेंज। ये बिल्कुल लगता है आपका, गाड़ी के नीचे आपको दिख रहा होगा, ये सेंसर लगा हुआ है एक। ठीक है, इस सेंसर का कपलर है, और ये आपका दो वायर वाला कपलर है जिसमें से एक वायर टूट चुका है, और इसकी वजह से वो लाइट शो कर रही है। तो अब करेंगे इस वायरिंग को ठीक, उसके लिए ले आए अपन एक ये कबाड़ खाने से नया कपलर ढूंढ के ये कबाड़ खाने का कपलर है। ठीक है, अब वो 10 हज़ार से बेहतर है, 100 रुपये का कपलर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। दो वायर वाला ये भी कपलर है, और दो वायर वाला वो भी है, भले ही कबाड़ खाने का है मगर काम हो जाएगा आपका। तो करेंगे इसको ज्वाइन, सब इसी के पास आ जा। चालू हो गई। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये दो वायर वाला कपलर है, सेम है, दो वायर इसमें कपलर सेम होना चाहिए, नहीं तो फंसेगा नहीं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं आप, दो वायर वाला कपलर, इसको पहले ही फंसा के चेक कर ले। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से लग रहा है दो वायर वाला आपका कपलर। ठीक है दोस्तों, करेंगे इसको ज्वाइन। इसके लिए आपको क्या करना है, देख लें कौन सा वायर किस साइड है, क्योंकि हो सकता है वायर अगर इधर उधर हो जाए तो फिर बाद में प्रॉब्लम आए। इसलिए आप देख सकते हैं इसमें कलर वैसे भी अपोजिट आ रहा है, जो आपका टूटा हुआ वायर है वो ग्रीन साइड आ रहा है, और जो ब्लैक टाइप का वायर है वो दूसरी साइड आ रहा है। तो आप साइड देख के लगाएं कौन सी साइड है। ये अपन ने ज्वाइन करा एक वायर, नॉर्मल 50-100 रुपये में आपको एक कपलर मिल जाएगा। कबाड़ खाने से मिल जाएगा, बहुत हर जगह मिलेगा। और क्या है, ज़्यादा हेवी गाड़ियों की वायरिंग में रहता है सेंसर वाला कपलर। ठीक है दोस्तों, अच्छे से मारा। ये दूसरा वाला भी देखेंगे अपन, इसको निकाल के। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये कपलर ढूंढते हुए। ये दूसरा वायर ये लगा दिया हमने दूसरी साइड। अबे मजबूत से जोड़ना रे। गाड़ी मतलब चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही चलाने में, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसकी लाइट आ रही है,
मगर डर इस बात का कि गाड़ी कहीं और रास्ते में बंद बंद, क्योंकि डरा दिया है सामने वाले ने कि भाई बंद हो सकती है गाड़ी। हाँ, जरा सा वायर टूटता है तो कहते हैं साला लूप चेंज हो गया, 15,000 लगेंगे, 12,000 लगेंगे। साला उसका सलूशन होना चाहिए ना, एक भाई एक कपलर टूटा तो एक कपलर दूसरा कंपनी को देना चाहिए, कपलर कंपनी को देना चाहिए। हाँ, अलग से कि जब तो अगर काम इसका सस्ते में होगा तब तो BS6 अच्छी है। हाँ, अब आप पैसे एकदम साला कपड़े उतारने वाला काम है भाई, पेट भर के पैसे लोग, आईडो वाला क्या कमाएगा और क्या इसमें काम कराएगा। 15,000 बैंक वाले अलग लूटते हैं साले, ये अलग लूट रहे हैं। ठीक है, ये जुड़ चुका है आपका कपला, ठीक है अब लगाएंगे इसको और चेक करते हैं अपन क्या प्रॉब्लम सही हुई या नहीं हुई। ये जस्ट आपका ये फ्यूल फिल्टर दिख रहा होगा इसके बगल में, जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है कपलर की, जुगाड़ का कपलर है भले ही लेकिन फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है। ये इसका पुराना कपलर, इसका जुड़ नहीं सकता क्या? हाँ, अंदर से बाहर साइडर करेंगे, इससे बेहतर है दूसरा लगा दो। तो अब करते हैं भाई गाड़ी स्टार्ट, देखते हैं लाइट बताती ही नहीं। देखो लाइट आपकी अभी आई नहीं है, वाह यार बंद हो गई भाई यार, ठीक है। और लाइट देख सकते हैं आप स्टार्ट होने के बाद भी नहीं आ रही। हाँ, और इनकी खुशी का देखो आप ठिकाना नहीं है, भाई काफी खुश है। और चेक लाइट जल्दी खाली, चेक लाइट थोड़ी देर में चली जाएगी। हाँ, पर भाई ने मेरी लाइट तो बंद कर दी, कंपनी वालों ने हमें ढेर चूना लगाना चाह रहे थे हम। हाँ, पर हमने नहीं लगवाया चूना अपना, पर हमारा दोस्त भाई ने ठीक कर दिया गाड़ी में। तो दोस्तों हो चुका है इसका फॉल्ट ठीक और कपलर लगा दिया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और लाइट भी आना बंद हो गई है। ठीक है, चेक लाइट जल रही है, चेक लाइट जल रही है, वो भी शायद दिन भर में अगर चलेगी गाड़ी तो चली जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। मगर जो इसकी फ्यूल फिल्टर की लाइट आ रही थी वो बंद हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना आपको? कंपनी मतलब कितने का काम कितने में हो गया? बस वो तो बताने लायक नहीं है पर हो गया। मतलब बताना नहीं चाह रहा है कितने कम, मतलब ये समझ लो आपका जो कंपनी वालों ने खर्चा बताया था उसका हम करवा नहीं सकते, 1-2% में इनका काम हो गया। ठीक है, तो इनने बहुत अच्छा करा, अगर वायरिंग चेंज नहीं कराएगा, वायरिंग चेंज करा देते सिर्फ एक कपलर की वजह से। सारे ऑटो वाले सुन लो, कहीं फॉल्ट आए इसी भाई के पास आना। ठीक है भाई, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास ही आओ, मगर आप किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को चेक कराओ, क्या है कंपनी तो लपेटने बैठी हुई है। ठीक है, तो उनका काम है, उनके पास कपलर मिल नहीं रहा हो, शायद हो सकता है भाई मैकेनिकों की मजबूरी हो कंपनी वाले के आगे से ऑर्डर हो के भैया कंपनी में लूटने के लिए बैठे हैं आजकल लोग, आगे से ऑर्डर हो के भैया आपको इतना छोटा काम आपको सस्ते में नहीं करना है, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, तो छोटा फॉल्ट आए तो आप उसको आपके नजदीकी इलेक्ट्रिशियन के पास चेक करा सकते हैं, हो सकता है आपका काम 10,000 का काम 100 रुपये में हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ठीक है बेल आइकन को जरूर दबाएं। और ठीक है भाई बहुत खुश है।